नमस्कार दर्शकों कार्यक्रम बातों बातों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं कहा जाता है ना कि माता पिता ही हमारे पहले गुरु होते हैं और यही गुरु जब हमें स्कूल में दाखिला कराते हैं तो हमारे शिक्षक जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं हमारे गुरु समान बन जाते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं दर्शकों आज इस कार्यक्रम में हम आपका परिचय कराएंगे ऐसी ही एक शिक्षिका से जिन्होंने पिछले 40 वर्षों से द्वीपों के बच्चों को शिक्षा दी है और उनका मार्गदर्शन भी किया है तो दर्शकों हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं श्रीमती डॉक्टर के तिलगामणि जी का जो रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जे एन आर एम की नमस्कार तिलगाती जी।, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है Thank इस कार्यक्रम में नारें नारें तो दर्शकों हम चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तिलगा जी सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप आप कहाँ जन्मी हैं और आपके परिजन आपके फैमिली के बारे में बताइए हमें एक्चुअली आई वॉज बोर्न इन तमिलनाडु जी मतलब मदुरई की रहने वाली हूँ माई हजबेंड वॉज वर्किंग एस एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन अंडमन होमवर्क जी तो हमको एटी में आया था उस समय तो फ्लाइट व्लाइट नहीं था आई केम बाई एम बी हर्षवर्धन एंड आई लाइक द प्लेस वेरी मच एट दैट टाइम इट जी प्रॉब्लम अच्छा। था कि आई डोंट नो एनी वर्ड एन हिंदी हिंदी मालूम ही नहीं था बट स्टिल द फैमिली ऑफ हार्बर वर्क्स गिव मी एनकरेजमेंट एंड मेरा हजब आई स्टडी ओनली एम ए अच्छा एम ए तक की पढ़ी थी एम ए फाइनल एग्जाम नहीं लिखा शादी हो गया था जी देन माई हजब इंटरेस्ट इन माई स्टडीज ही सॉ देट आई एम वेरी गुड इन स्टडीज देन वो बोले ठीक है पढ़ो आप इफ यू वॉन्ट टू स्टडी अब पढ़ो ही टोल्ड देन आई स्टार्ट एवरीथिंग दट इज आई डिड माई बी एड एम एड एंड देन एम फिल्म पी एच डी एवरीथिंग आफ्टर मैरिज जी हाँ जी दे 1983 में मेरे को ऑफर मिला था इंग्लिश टीचर बनने का सो आई वाज हैप्पी बट ठीक है हम लोग थोड़ा आई डिंट नो हिंदी बट आई वाज अपॉइंटेड इन इनडो स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैडो जी मैम एंड नाइनटीन में हम हैडो स्कूल ज्वाइन किया एंड uh, उस समय बहुत अच्छा लगा आई एंजॉय टीचिंग एंड टीचिंग वॉज माई पैशन ऑल्सो Like that I I joined as as a a teacher teacher and I started my career as a teacher in 1983. उस हाँ, समय का बच्चे लो अभी बड़े बड़े हैं they are in very good पोस्ट also. तो वही आपने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ली ये बतायेगा इनिशियल स्टडीज आई वो um, विरुद्ध नगर करके एक है, अच्छा, चीफ मिनिस्टर कामराज का बात सुने होंगे हुं, उनके ही नेटिव प्लेस की है हम अच्छा हम वहीं पढ़ी थी and I when I when was in class एंड आईन आई वॉज इन क्लास नाइन्थ इट से इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट था अच्छा तो मेरा एक टीचर थी मैडम नम स्टडीज और हम और मेरा फ्रेंड बहुत इंटरेस्ट थे तो, तो मैडम क्या करेगी मेरे को ग्रामर पढ़ाने बोलेगी एट दैट इट से हमको बोलेगी आप ग्रामर पढ़ो एंड uh, ग्रामर बहुत ही अच्छा लगता था हमको और बच्चों लोगों से भी बहुत दोस्ती था मेरा मेरा फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे एंड दे यूज टू लिसन टू मी एंड एंडर एक बात है ग्रामर में हमें हमेशा हंड्रेड परसेंट लेती थी मार्क्स अच्छा मतलब हंड्रेड मार्क्स का मार्क ले, एग्जाम लेने से फिफ्टी परसेंट विल बी इन ग्रामर जी ग्रामर में फुल एक रही एंड क्लास इलेवेंथ में क्या होता था मतलब दे यूज टू कंडक्ट ग्रामर टेस्ट स्पेशली जी तो उसमें तो मेरा एक भी मिस्टेक नहीं रहेगा एंड मैडम क्या करेंगे मेरा पेपर रख के बाकी लोगों का इसीलिए मेरे को इंग्लिश बहुत ही पसंद था और इधर आने से टीचर बनी बहुत अच्छा लगता था जी एंड आई एंजॉय टीचिंग एंजॉय एंड आई लव अंडमन एंड हम लोग अपना यंग एज पूरा अंडमान में ही पहले so, I आई feel, like I, I feel I आई डोंट फील आई एम अ मेन लैंड अव आई बिलोंग टू दिस टेरिटेरी आई फील and हाँ. मेरा एक ये है मेरे बच्चों लोग सब every walk of life में हम लोग बच्चों लोग है जी and हाँ. wherever I go, गो कहीं जी भी जी. जाने से भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आया mm -hmm. बच्चों लोग बोलेंगे तिलकुती मैडम आप आई बैठिए do every work. हाँ. that is a very plus point of Andamans I feel. जी हाँ। कहीं भी मेनलैंड में भी इतना इज्जत बच्चे नहीं देते एंड एंड आई आई लव लव टीचिंग टू बी विद द स्टूडेंट्स जी हाँ hmm. जैसे आपने कहा मैम आपका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था तो हम ये जानना चाहेंगे जो आपका इनिशियल स्टेज था जब आपने फर्स्ट पोस्टिंग जो आपका फर्स्ट स्कूल था hmm. उसके बारे में एक्सपीरियंस बताया कि कहाँ पोस्टिंग हुआ था आई वॉज पोस्टेड इन हैडो स्कूल तमिल मीडियम अच्छा एंड उस समय मैडम तंगमणि नायर करके एक मैडम थी ऑल इंडिया डायरेक्टर थे नायर सर अच्छा। उनका मैडम सीनियर टीचर थी आई वॉज अपॉइंटेड एज प्राइमरी स्कूल टीचर बिकॉज आई डेंट है तो बच्चे लोग एक बार तो नायर सर थे एक uh, head mister, head थे हुँ. तो उनका पास चावला सर बोले मैडम को ले लो आप प्राइमरी स्कूल टीचर है फिर वो लोग बोले नहीं नहीं एमए पढ़ी है हुँ. इनको हम लोग क्लास ट्वेल्थ में पढ़ाएंगे अच्छा लेटर टीच इन क्लास मैडम छुट्टी में थी तंगमणि मैडम तो मेरे को इंग्लिश पढ़ाने के लिए ट्वेल्थ में दी अच्छा देन हम भी बहुत अच्छा एंजॉय करके गया था एंड बच्चे दे लव्ड मी एंड वो लोग बोले ठीक है हम लोग को अभी तंगमणि मैडम नहीं चाहिए तेलुगु मैडम चाहिए <laughs> मैडम गॉट अनॉइड बिकॉज वो सोचिए कि आने के साथ साथ अपना पोलिटिक्स बट दे लाइक बिकॉज आई टॉक इन तमिल तमिल में पढ़ाने से बच्चों लोग को इंग्लिश अच्छा लगा एंड मेरा को क्लास टीचर भी बनाया एंड ऑल दीज पोलिटिशियंस जो भी है शाहउल हमीद एंड बाला सब फर्स्ट स्टूडेंट थे मेरा एंड दे ऑल लव मी इवन नाउ ऑल्सो जी जी सो so, ये सब बहुत बढ़िया लगा और बच्चों लोगों का पहले से ग्रामर बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाया करके hmm. वो लोग भी बहुत इज्जत अभी भी देते दे लव मी लाइक एनीथिंग एंड आई ऑल्सो लव टीचिंग एंड सो जो भी बच्चा लोग अच्छा से करे आई लविंग जी तो आपने जैसे कहा कि इनिशियल स्टेज में जो भी आपके स्टूडेंट्स है उन्होंने बहुत एक्सेल किया hmm. और आप अभी भी उन्हें देखते हैं जब आप प्राउड फील करते हैं hmm. तो आपको उस समय के टीचिंग से लेकर अभी तक जैसे आपके रिटायरमेंट के पहले तक आपको hmm. कौन से डिफरेंसेस लगे या फिर कौन से इम्प्रूवमेंट्स लगे यहाँ हमें अभी का बच्चों लोग आर वेरी टैलेंटेड वी से उस समय का बच्चों लोग से भी अभी का बच्चे लोग बहुत टैलेंटेड uh, है आई गॉट सेलेक्टेड बाई यूपीएससी इन टू थाउजेंड जी जी मतलब टू थाउजेंड में हम यूपीएससी सेलेक्ट होके कॉलेज में आई कॉलेज अच्छा। में थोड़ा सा फर्क था एक्चुअली मतलब स्कूल स्टूडेंट्स दे लव यू लाइक एनीथिंग बट कॉलेज का बच्चों को थोड़ा ईगो रहता, अच्छा। रहता है थोड़ा सा एटीट्यूड रहता बट आई मेड दम ठीक है आई मेड दम फ्रेंडली आई हैव अ वेरी फ्रेंडली एटीट्यूड at the same time, i am very strict also. Ji, ji. Matlab, i am very strict. i am very strict. i am very strict. but uh, you, you, class ka alawa, matlab, ka alawa, i give so many. Uh, this moral teachings also. Ji, then they take it for granted. and then uh, even college, kapichala, we both achieve. now, they, when i got retired, i feel it is an achievement. i feel really, i feel. Ji, because uh, बच्चों लोग यू यू थिंक कॉलेज का बच्चों लोग ऐसे एटीट्यूड तो 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 बट हम लोग बच्चों लोग ऊपर से नीचे तक मतलब बिल्डिंग में खड़े होके एंड दे ऑल केम एंड बिड मी फेयरवेल देन इट वाज एन ओवर वेलमिंग थिंग देवर स्टार्ट दे लिटरली क्राइड ऑल्सो अच्छा बोली क्या है इस तरह नहीं मैडम हम लोग आपको मिस करेंगे इट वॉज अ वेरी टचिंग मोमेंट एंड आई फेल दैट चिल्ड्रन स्टूडेंट्स आर वेरी गुड And they are they arrange a very nice farewell party. You हाँ. can't imagine PG बच्चे लोग वो लोग क्या करें? I am a Shakespeare expert. जी जी. I teach Shakespeare like very nicely. Mm -hmm. And what they did क्या करें? आप surprise हो जाएंगे. एक cake बनाए. जी. उसमें वो लोग क्या लिखे? Parting is sweet sorrow. जी हाँ. By Romeo and Juliet. Mm -hmm. This is a uh, cool. uh, wordings by. शेक्सपियर इन रोमियो एंड जूलियट रोमियो वेन ईज गेटिंग अवे फ्रॉम जूलियट वो ये डायलॉग बोलता है एंड डायलॉग देव रिटर्न इन द केक एंड पेन शेक्सपियर का फोटो था एंड दे मेड मी कट द केक दट वॉज अ विंग आई फेल्टर स्टूडेंट आर सो मच टैलेंटेड हम लोग बच्चों लोग को रियली दे आर वेरी मच टैलेंटेड एंड वो लोग आगे बढ़ेंगे जरूर आई फील लाइक दैट तो आपके इतने लंबे करियर में मैम आप अपना अचीवमेंट क्या मानती है पाण्डिशोरी यूनिवर्सिटी um, से किया अच्छा पांडिशेरी में आई रोड द एंट्रेंस एग्जाम एट द एज ऑफ फिफ्टी फोर एंड आई गॉट द यूनिवर्सिटी जी जबकि हम कॉलेज में भी पढ़ाती थी एंड आई रोट एन एंट्रेंस वहां क्या हुआ मतलब एक सेंटर में जाके लिखा था वहां सब बच्चे लोग खड़े हो गए थिंकिंग दैट आई एम एन थिंकिंगटर फिर उन लोग हम बोले नहीं नहीं आई एम स्टूडेंट आई हैव कम टू राइट द एग्जाम ऐसे बोले तो दे ऑल सेट फिर हम लोग अच्छे से लिखा था देन आई फील बाद में रिजल्ट आने से वो सेंटर से आई वो ओनली वन टू पास आउट अच्छा सो एंड देन आई गॉट सेवंथ रैंक इन द यूनिवर्सिटी Then I completed my Ph.D. Then that is a... At the age of 60, completing a Ph.D. is not a joke. Yes. And my ta I selected a topic that is Morality and Worldview in African and Tamil Folk Tales. Okay. I am comparative. Okay. Kiya tha. Okay. And questions. When I went for a viva, then I, they, they asked, Madam, moral policing is needed. They asked. Hmm. मॉरल पोलिस दे आर यूजिंग वेरी नाइस वर्ड्स आजकल का यंगस्टर्स का पास वर्डिंग्स का कोई कमी नहीं आई एम नोट फ्रेसिंग मतलब हम बोली फिर एक स्टोरी बोली थी फोक टेल्स मतलब एक ना एक स्टोरी में एक एक गांव रहता मतलब अफ्रीका हाँ. में एंड इन दैट एक आदमी का नाम है अम्मनाना. अच्छा अम्मनाना यू कैन हैव दैट तेलुगू में मटर्नल ग्रैंड पा को अम्बनाना बोलते एंड इन दैट अम्मनाना इज देयर एंड ही डाइज मतलब ट्रेडिशन इन दैट गाँव वो गाँव में एक ट्रेडिशन है कोई भी आदमी का डेथ होने से उनका नाम में एक पेड़ गाड़ा जाता है एंड दिस अम्मनाना वॉज अ बैचलर तो बच्चों का वो गाँव में सब बोलते बड़े बोलते नहीं नहीं इनका तो बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है तो इनको पेड़ नहीं लगाएंगे अच्छा। लेकिन वहाँ का बच्चों लोग क्या करते बच्चे लाओ दे लाओ मम्मा नाना लाइक एनीथिंग इन टेल स्टोरीज, वो लोग सब जिद करते नहीं नहीं, नाना के लिए एक पेड़ चाहिए बोल के देन वो लोग क्या करते फिर पेरेंट्स मानते ही नहीं बड़े मानते ही नहीं है नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं यहाँ का रिवाज को तो चेंज नहीं कर सकते बट बच्चे लोग जिद हो जाते खाना पीना बंद कर देते एंड hmm. फिर बड़े लोग डिसाइड ठीक है बच्चे लोग इतना प्यार करते तो जिनको जरूर एक पेड़ गाड़ेंगे बोल हियर व्हाट द पॉइंट इज द चिल्ड्रन आर ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग अ चेंज इन द सोसाइटी सोसाइटी नॉट द बड़े hmm. मतलब बच्चे सोचने से एक एक सकते. ला सकते चेंज ला, so, ला सकते चेंज ला सकते देन आई टोल्ड दिस इज दई स्टोरी आई हैव इन सो डू यू थिंक आई एम स्ट्रेसिंग मॉरल पोलिजी नो मैडम सो दे टोल्ड So, even बच्चे भी बड़े बड़े काम कर सकते दैट इज अ थिंग आई थिंक देन इवन इन दिस सोसाइटी ऑल द स्कूल में प्रिंसिपल जो भी है और सीनियर टीचर इंग्लिश है सब हम लोग का बच्चे लोग ही है स्टूडेंट एंड दे कॉमन मीटर्स एंड देल क्वेश्चन मैडम अभी भी हम लोग आपसे देखने से डरते दर, हैं बट हम लोग का बच्चा लोग क्यों नहीं डरतेव टू ब्रिंग देंज मतलब बच्चों का इसमें बिकॉज आजकल का चिल्ड्रन दे आर नो एवरीथिंग hmm. थ्रू नेट एंड दे आर वेरी वेल एक्सपोज तो पहले का तरह नहीं है दे आर आर वेल एक्सपोज एंड दे टॉक सब का हम लोग ये सब मतलब बच्चे लोग करना पड़ेगा हम एंड वी हैव टू बी So society society, हाँ. mm -hmm. तिलकावती जी ये तो जर्नी रही आपकी पीएचडी की जो की बहुत इंस्पायरिंग भी है अब हम जानना चाहेंगे जैसे आपने अपने करियर की शुरुआत जो पढ़ाई की शुरुआत की थी आ, उस समय आपको इनिशियल स्टेज में कैसे डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा क्योंकि उस समय जब महिलाओं को इतना सशक्त mm -hmm. बनने के चांसेस नहीं रहते थे mm -hmm. आपने पढ़ाई की उसे कंटिन्यू किया तो आपका एक्सपीरियंस बताइए कहीं आपको ऐसे डिफिकल्टीज फेस करने पड़े क्या मेरा मतलब बोली जैसा मेरा आफ्टर मैरिज ओनली आईडी बी एड एंड एम एड डिड थ्रू अन यूनिवर्सिटी अच्छा उस समय फ्लाइट भी नहीं था हाँ जी हाँ तो जी। so, बाद में फ्लाइट शार्ट हुआ देन आई यूज टू गो मतलब वहां जाके लिखते थे एग्जाम लिखते थे बट वन थिंग इज आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज कभी भी मैं हमको बहुत मेहनत करना नहीं पड़ा जी इवन इन स्कूल में फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक ही लेती थी एंड इसीलिए फिर भी जाना पड़ा एंड मेरा हस्बैंड ही वॉज अ बिग सपोर्टर फॉर मी आई हैड अ वेरी आइडियल फैमिली लाइफ तो मेरा हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते थे ही यूज टू लुक आउट द चिल्ड्रन आई टू गो एंड राइट एंड हुई स्कूल आई वर्क वो लोग भी पूरा स्कूल में छुट्टी भी दे देते मेरे को एंड इसके पीछे हमको बहुत और एम फील किया तो इधर यूपीएससी का एड आ गया फर्स्ट क्लास फिल में भी फर्स्ट क्लास है पीएचडी में भी फर्स्ट क्लास मिला एंड समय एक हस्बैंड पीछे पढ़ाना बोलने से दैट वॉज वाय फील आज कल तो have, have so जी आई हैर्ल्स इन अवर कॉलेज बट पहले उस समय ऐसी नहीं था एंड माई हजब वॉज अ बिग सपोर्टर फॉर मी एंड टू बी to be uh, frank. My husband is no more now and for him only I did my PhD okay. and it was and my family uh, my children two daughters and one son I have and now my son is also no more. So I feel all the difficulties I faced through and uh, for that I had through two thoughts two quotes in my life. Mm -hmm. Dr. Abdul Kalam ka a quotation mm -hmm. Kalam sir said. Celebrate difficulties. Mm -hmm. Actually I went into depression sometimes because of these two tragedies in my life. So he told I read one in one place, celebrate difficulties. That seemed to be a different paradox like thing. Hmm. Then I thought, okay, let me adopt that. Then I started celebrating my difficulties. And mm -hmm. that a plus point celebrities log de ke bhagjata either. Or you become accustomed to the uh, difficulties. difficulties. So, that is also one thing. Then, another one quotation from Bhagavad Gita also gave me good uh, inspiration in my life that is, never ever lower yourself. Mm -hmm. kitna do, kitna log aapko do. Just don't mind. You be yourself. Mm -hmm. And you be a teacher for your children. And I have never missed even a single class in my period. जी जी तो बच्चे लाइक like करते एंड नाउ इट इज़ क्या रिसर्च वो सब आ गया तो नो मोर no ये क्लासरूम टीचिंग इज नॉट देर यू मस्ट शेयर य थिंग्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द थिंग दैट अ थिंग आई फील जी hmm. जैसे अभी हम अगला सवाल वही पूछने वाले थे hmm. कि पहले के एटीज uh, के दशक में और अभी में स्टडी वाइज कितने चेंजेस आए जैसे आपने बोला अभी थियोरटिकल नहीं प्रैक्टिकल hmm. yeah. तो इसके थोड़ा हमें विस्तार से बताइएगा मैम फॉर एक्जाम्पल अभी हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़तेम गुड एक्सपर्ट इन ई एल्टी ऑल्सो लिंग्विस्टिक्स एंड स्टाइलिस्टिक्स वब्जेक्ट इज देयर ओके यू वॉन्ट फील मतलब ये साइंटिफिक लगेगा Hmm. मेरे बच्चे लोग तीनों इंजीनियर्स है कंप्यूटर hmm. इंजीनियर्स माई डॉटर शी इज टेलिंग मम्मी आपको तो अच्छा है काली स्टोरी बताने से काम हो गया hmm. नहीं 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 यू यू डोन्ट अंडरस्टैंड शेखफेर इज नॉट मेयर अ स्टोरी देन ई एल टी इफ यू आर गोइंग इन टू लिंग्विस्टिक्स इट इज कम्प्लीटली लुकिंग एट लाइक साइंस ओनली और ई एल टी भी आप पढ़ो पूरा मतलब डायग्राम बढ़ाना पड़ता फ्लो डायग्राम बढ़ाना पड़ता पहले का लिटरेचर ओनली नॉट जी डेड हाँ, जी इट इज इट हेज बिकम वेरी टफ और लिंग्विस्टिक्स में क्या है स्टाइलिस्टिक्स में पोएम को एनालाइज करना आपको अच्छा पोएम को हर हर फीट uh, मतलब हम लोग बहुत बोलते हैं मोनोसिलेबिक डाइसिलेबिक वो सब एनालाइज करके लिखना पड़ता सो नाउ इट हेज बिकम ऑलमोस्ट साइंटिफिक एंड इवन नाउ अभी यूपीएससी थ्रू ही कॉलेज में भर्ती कर सकते यूपीएससी में आना बोलने से क्या है आपको नेट क्लियर करना हुँ. देन आपका पीएचडी मिनिमम पास मिनिमम क्वालिफिकेशन इज पीएचडी अदरवाइज यू कांट एंटर सो यहाँ का बच्चों लोग का अभी पहले नहीं पूरा पास नहीं होते थे नेट बट आजकल सब मेहनत करते हैं अच्छा लगता हम लोग बच्चों लोग सब पी एच डी करते एंड वी फील वेरी हैप्पी दैट हम लोग के बच्चे लोग बहुत आगे बढ़ते हैं एंड रिसर्च में भी दे आर डूइंग इवन एम ए में क्या करते वी हैव अ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में एक कोई भी टॉपिक ले लो उसको अच्छे से एलोबोरेट करके करो दैट बिकम्स अ स्टेप स्टेपिंग स्टोन फॉर डूइंग डुइंगी और अच्छा hmm. तो उसे बेस करके पी एच डी का लेते जी जैसे आप इंग्लिश में इतने इंटरेस्टेड हैं मैम जैसे आपने कहा कि बचपन से ही आप स्टडीज में बहुत ही एक्सेल एकदम फर्स्ट में ही आ रहे हैं तो इंग्लिश पर्टिकुलरली सब्जेक्ट चूज करने का क्या रीजन है या फिर इसके पीछे कोई मोटिवेशन है क्या कि आपको इंग्लिश ही लेना था ऐसे ऐसी मतलब जनरली एक्चुअली बात करने से क्लास इलेवंथ में पढ़ने के टाइम आप बिलीव नहीं करेंगे आई गॉट नाइंटी एट परसेंट इन फिजिक्स अच्छा नाइन्टी एट परसेंट इट इज नॉट इजी फिजिक्स वॉज अ वेरी टफ सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ने के लिए मेरा इंटरेस्ट था आई वेरी आई वॉन्ट लेकिन आईरोनिकली हम जो कॉलेज में पढ़ा फिजिक्स इलेक्टिव नहीं था मम्मी बोली ठीक है आप इंग्लिश पढ़ो यू आर यू लाइक इंग्लिश देन आई सेलेक्टेड इंग्लिश फिर उसके बाद तो नो स्टॉपिंग हमें सही फर्स्ट क्लास मार्क लिया एंड हम लोग को टीचर्स बहुत अच्छे से इवन विरेंद्रनगर कॉलेज में सब लाइक करते थे इवन इफ आई नो इफ आई गो नाउ ऑल्सो सम प्रोफेसर देर वो लोग क्या करते थे लगे आ गई माय डॉटर लाइक दैट दे कंसीडर सो इट इज बिग थिंग आई फील एंड आई नाउ इंग्लिश ए ंग्लिश आई फील जी that. हाँ तिल्गावती hmm. uh, जी जो लिटरेचर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए इसके बारे में हमें बताइएगा लिटरेचर मीन जनरली जनरली। जनरलीस आप लोगों का क्या है मतलब पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन। अच्छा यू मस्ट अंडरस्टैंड साइकोलॉजी वंस यू यू शो दैट ना स्टूडेंट्स आर वेरी क्लबर दे आर क्लवर एंड टैलेंटेड आपको क्या करना है पहले नंबर वन यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देन इफ यू आर आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रपोजल एक्चुअली इफ यू आर टॉकिंग तो बट यू मस्ट मेक दम अंडरस्टैंड दैट यू हैव कंसर्न ओवर देम ओके यू मस्ट प्रूव दैट यू आर हैविंग कंसर्न इफ यू आर कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर दे विल बी विद यू फॉर ऑलवेज एंड स्टूडेंट्स देट ओनली अंडरस्टैंडिंग जी पढ़ाई आप पढ़ाई के uh, अलावा भी और कौन कौन से क्षेत्रों में जैसे आपने कहा कि आपको शेक्सपियर uh, ज्यादा आपका मेन पॉइंट होता है hmm. उसके अलावा आपने और क्या क्या सब्जेक्ट्स या फिर कौन से क्षेत्रों में uh, well, अपना योगदान वार्डन फॉर ट्वेल्व इन गर्ल्स हॉस्टल अच्छा चीफ वार्डन गर्ल्स हॉस्टल I was there for 12 years. Usme that only made my personality change. जी हाँ. I feel and uh, बच्चों लोग बहुत अच्छे से titles दे देते. Very clearly, without any मेहनत आपको बहुत titles मिल जाता. कैसा Hitler, tyrant और माँ काली माँ दुर्गा माँ they'll call me. But I tell okay. आप लोग कुछ भी titles दो. I am strict with you people. एंड नाउ ऑल्सो कहीं भी देखेंगे वो बच्चों लोग बाकी आते मैडम फिर हम आई पूछती कभी कभी आप लोग याद है यस yes, मैडम आप तो मेरा जिंदगी चेंज किए दे टेल दैट इज अ ट्रिब्यूट वी गेट एंड देन नाउ व्हेन आई एम रिटायरिंग ऑल द वर्कर्स ऑफ द गर्ल्स आई आई मतलब 2020 आई लेफ्ट जॉब ऑफ चीव वॉर्ड बिकॉज आई हैल प्रॉब्लम Then now, when I retired all the workers called me Hostel Mebulae Badasa party Diye and they gave me some gifts and I think that is a big trophy for me I felt. जी. Even though I am a professor, getting love from worker category that is not easy. Yes. So I felt I feel that is also an achievement, I feel. So I was very strict with them. जी, but they name it, सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो बिग ट्रीब्यूट फॉर मी आई जी हाँ जैसे so. मैम आपने वार्डन की तरह काम किया फिर आप प्रोफेसर भी रही आपके बच्चे फिर आपने ये सारी चीजों में वर्क लाइफ और घर के काम हाउस लाइफ ये दोनों को बैलेंस कैसे किया दैट इज ऑल्सो बिग चैलेंज बिफोर अस जी लेडीज हाँ. के लिए वो बड़ा ही काम था एंड कोर्स डोंट थिंक दैट आई एम ओनली ए प्रोफेसर आई एम अ वार्डन आई एम अ वेरी गुड मदर एंड इवन नाउन नाउ ऑल्सो माई two daughters. one is in u.s. she is a chief, uh, senior project manager Acham. in u.s. Uh, in infosys. Acham. that's a big company. and she is getting three times salary, three more times salary than me. Yes, yes. and another second daughter is in bangalore. she is mm -hmm. also a software engineer. and i feel i am a proud mother of two daughters. every day they share with me. and i have three grandchildren also. And I got a certificate from my granddaughter who is in class 1. Achcha. She is telling Archie, Archie they call, grandma ko Archie bula te. Hum Ji, log she is telling, going and telling her paternal grandma Ji, in Bangalore, Archie's house is the best house I have seen. Achcha. So that is also a contribution. Yes. I think that is also an achievement. From a class 1 student, you are yes. li listening. So why she asked, why you are asking, why she is good? because she contributes time for us she tells stories hmm. she plays with us like that I make a uh, place for children I love children very much Ji. Yeah. तो ये सारे सबके बीच में मैम आप अप, अपने आप को self motivate कैसे रखते हैं that's what मतलब <laughs> I I read a lot अच्छा <laughs> मतलब हमको reading बहुत पसंद है मतलब I read both इंग्लिश नॉवल्स एंड तमिल नॉवेल्स जी तमिल नॉवेल्स बोलने से कलकी करके एक राइटर है कलकी का पुनी इन सिल्वर अभी रिसेंटली पिक्चर बनाए इट इज इन फाइव पार्टस आई लाइक दैट एंड मेरा बेटी इमिडिएटली ऑनलाइन में ऑर्डर करी एंड आई फिनिश ऑल द फाइव नॉवेल्स विद इन वन वीक अच्छा एंड चेतन भगत इज द फेवरेट राइटर इन इंग्लिश तो वंस वी वेंट तनिष्क शॉप तो वहां पर बैठ के हम लोग लिख रहे थे दरअसल देखिए अ कूपन अ फिलअप करिए एंड माई सन वॉज विद मी फेवरेट ऑथर इन तो वॉज टी वॉज जस्ट लुकिंग ही अ वेरी श्रूड गाय ही टोल्ड या शेक्सपियर लिखे ये भी ही टोल्ड मतलब फेवरेट आई जस्ट लुक हिम देन आई टोल्ड नो माई फेवरेट ऑथर इज चेतन भगत शेक्सपियर तो मेरा को काना देता है देन देन ही 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 क्वाइट

इतना अच्छा लोग मिलेगा कि आई डोंट नो चेन्नई में बीच बीच में जाके आती हम बोलती नहीं अंडमान का लोग तो बहुत अच्छे बिना बट हम लोग चीटिंग नहीं है यहाँ पर चीटिंग नहीं है ये सब नहीं है तो ये ही मतलब कैरी करके हम लोग जाएंगे आगे बढ़ाएंगे और अंडमान हैज बिकम अ टूरिस्ट प्लेस सो कमर्शियल नहीं होना हम लोग कभी कमर्शियल नहीं होना इसी तरह मतलब दोस्ती से रहेंगे और हम लोग जगह का नाम ऊंचा करेंगे आई फील लाइक दैट लेट अस लिव यूनाइटेड जी एंड आई वांट टू गिव जो यूथ जो यूथ है जो स्टूडेंट है हुँ. इस द्वीप समूह के उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे यूथ का तो आप लोग तो बहुत ही टैलेंटेड रियली टैलेंटेड बट वन माइनस पॉइंट आई सी आजकल क्या है आप लोग ईगोइस्टिक बन गए थोड़ा सा मतलब बन गए यू आर नॉट गेटिंग एडजस्टेड विद य मतलब फैमिली एंड ऑल तो वो सब छोड़ दीजिए थोड़ा सा ईगो हटा देने से जस्ट गिव एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट इज लाइफ तो एडजस्ट इफ यू आर एडजस्टिंग मेक इफ ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मेक हिम अंडरस्टैंड बाय योर लव एंड अफेक्शन लव एंड अफेक्शन विल क्लियर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड लव एंड अंडरस्टैंडिंग इज द मेन मोटो इन लाइफ एंड वो तो है लेकिन थोड़ा सा फैमिली लाइफ में भी आप लोग लाइये और लड़की लोगों को वही हम बोलती आप लोग बहुत टैलेंटेड है वो सब है जो नौकरी में लग जाते हैं नौकरी नहीं मिलने से भी डोंट वरी जस्ट नौकरी के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए मत जाओ यू आर टैलेंटेड यू डू समथिंग ऑन योर ओन और बहुत यूनाइटेड हम लोग रहेंगे और आई विल नेवर फरगेट अंडर इन माई लाइफ बिकॉज इट्स अ मेमोरेबल थिंग इन माई लाइफ आई फील लाइक दैट जी तिलगवती जी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हमें इतने सारे अच्छे अनुभव शेयर किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे दूरदर्शन की टीम की ओर से थैंक यू थैंक यू तो दर्शकों आपने देखा कैसे तिलगवती जी ने कहा कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है अगर पैशन हो और ये ये सारी चीजें जो भी हम देखते हैं समाज में रहते हैं ये सभी चीजों के साथ साथ हमें चलनी चाहिए सीखनी चाहिए और महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ रखनी चाहिए तो अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार